जेकर तुसी भी नहीं भरवाया ते तां अज ही टैंकी करा लो फुल। मुक्कन लग्या पेट्रोल पंपां ते तेल ते डीजल। पेट्रोल पंपां ते लगियां गड्डियां दियां लंबियां लाइनां। जी हाँ, ये तस्वीरां पेट्रोल पंप दियां ही ने जिथे गड्डियां दियां लंबियां लंबियां लाइनां लगियां होईयां ने ते लोग इत्थे पेट्रोल ते डीजल भरवाउण दे लई पहुंचे होए ने। पेट्रोल पंप मालिक का भी कहना है कि उन्होंने कोल महज एक दिन का ही स्टॉक बाकी रह गया, जिस तो बाद लोग जड़े ने और टैंकियां फुल कराने लिए पेट्रोल पंपां ते पहुंच रहे ने। दरअसल केंद्र सरकार दे वलों लियांदे जा रहे कानून के खिलाफ पेट्रोल ते डीजल दी डिलीवरी करने वाले ट्रक ऑपरेटरां दे वलों हड़ताल कर दी गई है, जिस करके पेट्रोल पंपां ते ना तां पेट्रोल पहुंच रहा है ते ना ही डीजल। ते सब तो वड्डी चिंता लोगों च देखने मिल रही है कि लोग अपनियां गड्डियां दीआं टैंकियां फुल कराने लई पेट्रोल पंपां ते लाइन लगा के खड़े ने। पेट्रोल पंप दे मालकां दे वलों भी कह दिता गया है कि उन्हां दे कोल महज एक दिन दा स्टॉक ही बाकी रह गया है, जो कि ओह एम्बुलेंस या होर पुलिस दी गड्डी या मोटियां सहूलतां लई रख रहे ने। पेट्रोल पंप दे मालक हुण लोकां नूं इह सलाह दे रहे ने कि या तो पैदल चलन ते या फिर साइकिल चलाउण, जिस नाल सेहत भी बनेगी ते पेट्रोल ते डीजल भी बचेगा। क्योंकि यह हड़ताल कदों तक जारी रहती है ये नहीं पता, पर जेकर पेट्रोल ते डीजल नहीं पहुंचता तो पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। लोगों के वालों सरकार तो मांग की जा रही है कि इस हड़ताल नूं जल्द तो जल्द खत्म करवाया जाए ता जो आम लोगों नूं कोई भी परेशानी ना आवे। पेट्रोल पंप के संचालकों ने यह साफ कह दिता है कि उन्होंने कोल सिर्फ एक दिन का ही स्टॉक बाकी है। जेकर इसे तरह भारी गिनती च टैंकियां फुल कराते रहे लोग तो स्टॉक समय तो पहला भी खत्म हो सकता है। साढ़े कोल तां स्टॉक सिर्फ कल तक का हैगा, बाकी सानू ज़्यादा जरूरत है सरकारी गड्डियां मुढ़लियां सहूलतों वास्ते, एम्बूलेंस पुलिस दी गड्डियां प्रशासन दी गड्डियां उन्हां वास्ते तेल रखना है। इस करके लोगों को बेनती है जे कोई प्रॉब्लम आई है किसी तरह की तो मिल जुल के साथ दिओ, इस मुसीबत का हल छेती लभ्या जाएगा, प्रॉब्लम का तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हो सके तो ज़्यादा चलो मौका है इस टाइम अपना शरीर बनाने का, साइकिल चलाओ पैदल चलो, थोड़ा अवॉइड करो पेट्रोल ते डीजल। देखो सरकारी ऑर्डर तुहानू आए ने भी जिदा पेट्रोल सरकारी ऑर्डर आए ना, ये साडा नैतिकता के आधार से फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दे लई प्रबंध जरूरी है। अच्छा, प्रबंध किए गए उन्होंने? हाँ जी। ये किहड़े पंप तो बोलते सर? मैं दिलबाग सिंह अड़सर। जिहड़ियां गड्डियां मुढ़लियां सहूलतां ने, पुलिस दीआं गड्डियां, प्रशासन दीआं गड्डियां या एम्बूलेंस वगैरह मुढ़लियां, डाक्टरी सहूलतां दीआं, सिविल हॉस्पिटल दीआं सरकारी गड्डियां, उन्हां वास्ते असीं डीजल जरूर प्रबंध। अच्छा, भी इह लुधियाणे दे सारे पंपां दे उत्ते ऑलमोस्ट पंप लुधियाणे दे इस टाइम ड्राई हो चुके ने। हाँ, बाकी कल दुपहर तक कोल ड्राई हो जाए। लगता भी कल दा दिन तेल पा के उस तो अगले दिन छुट्टी भी हो सकती है ना तेल मिले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को की मैसेज देना चाहते हो भी तेल पवा? मैं उही कह रहा हैगा भी जे तुहाडे कोल मौका चलो मिले आगे तुसीं अपना बचाव करो, पेट्रोल डीजल अगे धरती ते भी खत्म होंदा जा रहा हैगा, ते जे इस तरह दा आया मुसीबत आई है भी अपने कोल नहीं मिल रहा ते साइकिल यूज करो पैदल चलो। दो तीन दिन का ही तेल रहेगा? हाँ, ज़्यादा तो ज़्यादा बस। तो जिहड़े लोग आ रहे हो फिर किदां सरवाइव करनगे, जिवें तेल दा नीड हैगी हरेक लोगों को जिहड़ी है? वो तो लोगों को आप ही चाहिए जी, थोड़ा जिहा उस हिसाब नाल ही अपनी जरूरत के हिसाब नाल ही तेल पवाओ, एक्सेस लोड़ ही है, नहीं देखो सबनों तेल की लोड़ हैगी है जी। तो इस करके एमरजेंसी जहाँ उस हिसाब नाल ना पवाओ भी जिहदे नाल बाकियों नूं भी दिक्कत आवे, जिहड़े एमरजेंसी तेल चाहिए वा। किन्ने दिनों तो दिक्कत आ रही है तुहानूं जिहड़ा कि तुहाडे लई तेल वगैरह नहीं आ रहा? बस दो कु दिनों तो तेल आ ही नहीं रहा जी, जिदा कल संडे सी कल भी नहीं आया, अज मंडे नूं भी नहीं आया, हुण अग्गे भी देखो तीन तरीक तक स्ट्राइक कहिंदे चलनी है, फिर किन्नी दिक्कत आई कि तेल तो देखो डेली चाहिए हुंदा वा जी। ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਟੋਕ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੋਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ? ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਡੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਏਗੀ ਲੋਕ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਬਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇਲ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਤੇਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ।